नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। कंचन टीवी की टीम अब पहुंची है गोल्डन हट ढाबे पर। और क्यों पहुंचे? आपको याद ही होगा कुछ दिनों पहले यहां पर पूरी दुनिया का, पूरे देश का ही नहीं पूरी दुनिया का मीडिया पहुंचा था और ये लाइमलाइट में था, गोल्डन हट राम सिंह राणा का ढाबा। और यहाँ पर जब पूरी दुनिया का मीडिया आया तो पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे लंगर लगाया हुआ है राम सिंह राणा ने। उसके बाद आपने बैरिकेडिंग भी देखी होगी जो कहा जा रहा था कि सरकार ने करा दी। बैरिकेडिंग पर भी बवाल हुआ, किसानों ने इसको हटाया, प्रशासन ने फिर से लगा दिया। कहा जा रहा था कि राणा जी के आंसू भी आपने देखी, राणा जी ने कहा था कि उनका धंधा चौपट हो गया। लेकिन राणा जी के पूरी दुनिया में वायरल होने के बाद, उनके फेमस होने के बाद, उनके जो सेवा भाव है, जो सेवा के काम है, उनके वायरल होने के बाद आप देख सकते हैं अब पूरा फिर से उनका काम सबाब पर हो गया है। यहाँ पर हम पहुँचे हैं, इसीलिए हम पहुँचे। हम देखना चाहते थे कि जब सारी मीडिया पीछे हट गई है, जो मीडिया ने पहले उनको अपनी पलकों पर बिठाया हुआ था, अब मीडिया कहीं ना कहीं दूर हट गया है, तो कंचन टीवी ने चाहा कि एक बार आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई जाए कि किस तरह की यहाँ पर काम चल रहे हैं, किस तरह का गोल्डन हट पर अब जो ग्राहक है उनका आना जाना है, किस तरह की लोग यहाँ पर आते हैं, क्या किसानों के लिए अब भी यहाँ पर लंगर लगाया जाता है या नहीं, वो भी हम दिखाने वाले हैं। किस तरह के सामाजिक काम यहाँ पर होते हैं वो सब दिखाने वाले हैं आपको। क्योंकि एक सवाल दर्शकों के जहन में रहता है कि क्या राम सिंह राणा ने वो सेवा बंद कर दी है, क्या वो लंगर बंद कर दिया है, क्या सिर्फ कुंडली बॉर्डर पर ही उनका लंगर चल रहा है, यहाँ नहीं है? कुछ ऐसे सवाल हमारे सामने खड़े हुए थे, तो हम देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे आपको दिखाने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैनेजर है, उनसे हम बात करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काउंटर है। राणा जी कहाँ हैं? अमृतसर से फोन आया था, उन्हें मतलब बुलाया हुआ था उन्होंने सम्मानित के लिए, तो चंडीगढ़ अमृतसर गए हुए। वहाँ गए? हाँ जी। तो अभी लंगर यहाँ चल रहा है आपका? हाँ जी, 24 घंटे किसानों के लिए चाय, पकोड़ा, लंगर, जिसको जो भी है सेवा है, मतलब लगातार चल रहा है, आप देख भी सकते हो। जी बिल्कुल। वो मैनेजर है, मैनेजर यहाँ पर कहते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम चाहेंगे, हमारे एक और भाई हैं राणा जी के सहयोगी हैं, क्या नाम है आपका? देविंदर है। देविंदर आइए भाई, हमें दिखाइए आपका कहाँ चल रहा है लंगर। आप अभी हम आपको दिखाएंगे कि लंगर वहाँ पर चल रहा है, वो लंगर दिखाएंगे क्या वाकई में लंगर चल रहा है। आप देखिएगा यहाँ पर हमने आपको पहले दिखाया था कि लोग जब यहाँ बैरिकेडिंग हुई थी तो जो क्लाइंट है, जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, वो यहाँ पर घट गए थे। अब कैसी है संख्या कस्टमरों की यहाँ पर आपके? अब भी है, बहुत है, खूब है। अब जैसे बीच में एक बार कम हो गया था बैरिकेडिंग होने के बाद, क्या अब ठीक है सब? हाँ, अब तो ठीक सा है, बस जो है किसान भी आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं। हाँ, गाड़ियाँ देखे तो पूरा आपका बेड़ा जो है भरा हुआ है, मतलब खूब सारे ग्राहक हैं। हाँ, ग्राहक भी है, मतलब आप लोगों के फेमस होने के बाद अब तो वो लोग भी रुकते होंगे जो पहले नहीं आते थे। हाँ, वे भी रुके, आकर आपसे पूछते हैं कि वही राम सिंह राणा का ढाबा है। अच्छा, क्या क्या आप खिलाते हैं यहाँ पर? चावल हैं, दाल है। ये आप देख सकते हैं दाल मखनी है, और ये आपका रोटी। देखिए चाय भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, चाय भी रखी हुई है। और यहाँ पर आपकी ड्यूटी रहती है किसानों की? हाँ जी बिल्कुल जी, हमारी ड्यूटी रहती है। कितने किसान रहते हैं दिन भर? बहुत सारे रहते हैं दिन में, किसान तो दिन भर में। हाँ जी, पूरे दिन। संख्या की अगर बात की जाए, कितनी संख्या डेली आ जाती है? कम से कम 400-500 पर डे गए जी। 400-500 पर डे आज भी आते हैं? अभी भी आते हैं। अच्छा, कुछ किसान ऐसे भी आते होंगे जो कहते होंगे कि हम फ्री नहीं खाएंगे, पैसे देंगे? सर देखो, अभी तक तो मतलब ऐसे नहीं, सारे लंगर जो हम सब लंगर खाने के लिए पहुँचते हैं। सिर्फ हरियाणा से आते हैं, पंजाब से भी आते हैं? हरियाणा, पंजाब, सारे जगह, कोई से भी आए, हम हमारे लिए तो सब किसान हैं। पंडाल मुझे दिखाएंगे आप अपना, कैसा पंडाल है? जो मैं पंडाल भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो व्यवस्था की गई जी, यहाँ पर ये रात को जैसे कोई रुकना चाहता है, ये गद्दे उनके लिए है, रात को रुकते भी हैं सर यहाँ पे, जैसे आके कि यहाँ पे रुकना हो। टेबल भी? हाँ जी बिल्कुल, टेबल। तो कुछ किसान ऐसे भी आते होंगे जो नीचे खाते होंगे? बिल्कुल है जी, नीचे बैठ के भी खाते हैं, गद्दे में। अच्छा, उनकी मर्जी है, वो चाहे तो जो कस्टमरों के लिए जो टेबल है उस पर भी बैठ सकते, कहीं भी बैठ जाओ। आपकी तरफ से छूट? छूट है हमारी तरफ। हाँ, हमारी तरफ से पूरी खुली छूट है जी, चाहे अंदर बैठो या बाहर बैठो, हमारे लिए कोई वो नहीं, कोई अतिथि है। बिल्कुल जी बिल्कुल। राम सिंह जी आज चंडीगढ़ हैं, तो उसके बाद जिम्मेवारी आप लोगों पर ही रहती है। हाँ,
पूरी पूरी मेहनत से निभाते हैं, पूरी मेहनत से। आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जब यहाँ पर ये पूरा एपिसोड हुआ, जब यहाँ पर बैरिकेटिंग की गई थी, उसके बाद पूरी दुनिया ने आंसू देखे राम सिंह राणा के, उसके बाद क्या कस्टमर बढ़ा है आपका? बिल्कुल बढ़ा है जी, बढ़ा है। कितना फर्क मानते हैं, कितना फर्क? काफी, अभी तो सर काफी अच्छा हो गया, मतलब बीच में तो बिल्कुल। स्टाफ कितना बढ़ाना पड़ा अब आपको? स्टाफ तो अभी हमारा वही है जी, सेम वही। हाँ जी, हाँ जी, तो मैनेज हो जाता है इतने स्टाफ? हाँ जी, अभी वही है सब, बढ़ा रखे तो बिल्कुल। देखिएगा यहाँ पर अच्छी व्यवस्था की गई है, और आप देख सकते हैं वहाँ पर गाड़ियों से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, खूब सारे कस्टमर हैं, खूब सारे लोग यहाँ पर, खूब सारे ग्राहक यहाँ पर आते हैं। किसानों के लिए व्यवस्था की गई है, और हो भी क्यों ना, राम सिंह राणा ने ऐसा सामाजिक काम किया है जिसके लिए उनको युगों युगों तक याद रखा जाएगा, और याद क्यों रखा जाएगा वो भी जान लीजिए, क्योंकि उन्होंने किसानों के लिए फ्री लंगर लगाए थे, दूध से लेके खाने से लेके पानी से लेके हर सब फ्री किया था, और उसी का फ़ायदा है कि आज इनका शबाब पर है होटल गोल्डन हट, और हम दुआ करेंगे कि ऐसे ही उनका कारवा चलता रहे, किसानों के बेहतरी के लिए वो काम करते रहे। और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा पंचम टीवी के इस वीडियो को देखने वाले हर एक दर्शक का। अगर आप किसान हैं, किसान आंदोलन से जुड़े हैं, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप राणा जी के कामों से इत्तेफाक रखते हैं, आप मानते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया, तो इस वीडियो को आप राणा जी के लिए शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दोस्त, आपका होस्ट, मैं इस पाल पंचम।